हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक मेटल स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये जो कंपनी है कॉपर और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस साल ये जो कंपनी है 3,000 करोड़ का डेप्थ प्रीपेमेंट करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इनके जो नेट प्रॉफिट आए हैं काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और काफ़ी मींस अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक। अब अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, ये सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 216 के ऊपर चल रहा है, 52 वीक लो 192 का है और हाई 284 का है। और कंपनी का अगर आप एक साल का भी चार्ट देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर में रहा है, मीन्स दोनों तरफ खेला है, लगभग 270 के करीब जाता है और फिर नीचे 200 के करीब ये स्टॉक आया है, तो फिर एक मौका बन रहा है अब लेने का। और इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप तो 48,600 के करीब है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है, डिविडेंड एवरी ईयर ये कंपनी देती है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में 10,590 करोड़ के करीब सेल्स का टर्नओवर था और मार्च क्वार्टर में 11,681 का, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, 1,000 करोड़ के करीब अंतर है। लेकिन अगर आप इनका एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस घटा है, तो उस हिसाब से इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो काफ़ी बेहतर आया है, 413 के करीब नेट प्रॉफिट आया है और उससे पहले 376 का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। तो इनकी अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो एवरी ईयर ये कंपनी डिविडेंड देती है, 120% का दिया था 2018 में, 2017, 16, 15, 14 आप इजीली देख सकते हैं। और अगर बोनस की बात करेंगे तो लगभग 4 बार इस कंपनी ने बोनस इशू किया है, लगभग 82, 88, 90 और 96 के अंदर। और अभी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 216 के नीचे है, एक बॉटम बना रहा है और इससे और नीचे अगर आता है तो 200 के करीब ये अच्छा मौका बनता है। और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसका अगर आप टारगेट लगा सकते हैं तो 250-260 का इजीली आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ महीनों में, तो काफ़ी मींस अच्छा लेवल मिल रहा है। और अगर नीचे लगता है आपको तो नीचे लीजिएगा, आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा। लेकिन प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के, तो कुछ ग्रोथ इस स्टॉक में भी देखने को आपको मिलेगा और इजीली 250-260 के करीब ये स्टॉक आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके। और कुछ लोगों ने भी कहा था इस बारे में बनाइए, तो उनके हिसाब से भी ये बनाया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहें जल्द से जल्द। चलिए, थैंक यू।